नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। आइए रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। राबड़ी देवी ने खोया अपना आपा, घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे राजद कार्यकर्ताओं को मारा थप्पड़। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया केस, 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का आदेश। चार्जशीट में ईडी का दावा, 1993 मुंबई धमाकों के दोषी सरदार खान से कई बार हुई थी नवाब मलिक की मुलाकात। पंजाब में भी लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज, 15 अगस्त को पहले चरण में खुलेंगे 75 मोहल्ला क्लिनिक। एक साथ बैठे नजर आए सीएम योगी और अखिलेश यादव, सोशल मीडिया में तस्वीर की चर्चा। दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी, रक्षा मंत्री की फ्लाइट सहित 11 विमान किए गए डायवर्ट। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से 10,000 लोग फंसे, सड़क खोलने में लग सकते हैं 3 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूरोप में तेजी से बढ़ रहे मंकीपॉक्स के मामलों पर WHO ने बुलाई आपात बैठक। DU के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार, ज्ञानव्यापी मामले पर दिया था विवादित बयान, आज कोर्ट में हो सकते हैं पेश। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।